नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ करने के लिए दिया था, लेकिन ये नारा कहीं से भी राजधानी रांची में चरितार्थ होता हुआ नहीं दिख रहा है। बता दें कि राजधानी रांची में पूर्व मिस झारखंड रही सुरभि ने फोटोशूट कराया है और वो भी कचरे के ढेर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह रही कि झारखंड की मिस झारखंड रही सुरभि को कचरे के ढेर पर फोटोशूट करना पड़ा, तो वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम कुछ भी कहें उससे पहले आप सुरभि को सुनिए। मैं अभी झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिस टीम डीवा पे, मिस टीम इंडिया पे। तो उसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो शूट करना था, हम लोग गए हुए थे। फिर हम लोग वहाँ से गुजरे तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग घर आ गए कि हम लोगों ने बातें की प्रांजल से, हमारी बातें हुई। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है ये तो मेरे को लगता है बस एक ट्रेलर है, इसके आगे की मूवी अभी बाकी। अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो अभी और भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया वहाँ शूट करना। वहाँ जाने के बाद तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो कचरा गीला था, तो वहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल था। आप सोच सकते हो, जहाँ पर लोग गुजरते हैं तो अपना अपनी कार के विंडोज़ बंद कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पर जाके वो भी बारिश के टाइम। तो आपने मिस झारखंड रही सुरभि को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कचरे से झारखंड की जनता परेशान है। अब हम आपको फोटोग्राफर का बयान सुनाते हैं कि इस पूरे फोटोशूट को लेकर फोटोग्राफर का क्या कुछ कहना है। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मैसेज पहुंचा सकूं अपने ऑडियंस से, अपने रांची के जनता से, या फिर लोगों तक कि ऐसी चीज़ बन रही है जिसको आप लोग छोड़ के अपने डेली लाइफ पे हो। तो हमने इसलिए वहाँ पे सूट का प्लान किया, और फैशन सूट इसलिए चूज़ किया कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ग्रैब करना था। अगर हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री करते या फिर उस पर एक फिल्म बनाते तो शायद उसको एक सिर्फ एक इशू की तरह लेकर उसे छोड़ दिया जाता, बट जब यहाँ पे एक चैलेंज की तरह लोग देखना चाहे कि जहाँ से गुजरना मुश्किल है वहाँ पे इसने शूट किया है, तो लोग उस चीज़ को काफ़ी देर तक ठहराव के साथ रुक के सोचने पर मजबूर हुए लोग कि यहाँ पे लोगों ने ऐसा कुछ किया है, शूट करने की कोशिश की है, वो भी ऐसे कपड़ों पे, वैसे मेकअप के साथ जो हम लोग जनरली कोई अच्छे लोकेशंस पे करते हैं, फैशन सूट्स पे करते हैं। तो ये एक मैसेज था। और झारखंड एक ऐसा राज्य जो अपनी प्रकृति सुंदरता के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ के जल जंगल और पहाड़ को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। इन पहाड़ों को देखिए, झीरी का ये पहाड़ है जो कचरे के ढेर से बना हुआ है, जिससे यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के सामने काफी परेशानियां देखने को मिलती है। बदबू से परेशान होते हैं लोग, और ना तो इसको लेकर किस सरकार और ना ही नगर निगम की ओर से कोई उचित कदम उठाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों के सामने आए दिन परेशानियां देखने को मिलती है। ऐसे में मिस झारखंड रह चुकी सुरभि ने फोटोशूट करा करके सरकार और साथ ही नगर निगम को आईना दिखाने की कोशिश की है। देखना होगा कि इस फोटोशूट के वायरल होने के बाद आखिर किस तरीके से सरकार और नगर निगम की ओर से इस इलाके को साफ सुथरा किया जाता है। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।